Enemy is here. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इससे पहले वाले वीडियो में आपने सुना डेथ नोट के सेकंड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने पहले और दूसरे एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर जाके उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेकेंड एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जापान के कई सारे अपराधियों की मौत हो रही थी और इंटरपोल की कॉन्फ्रेंस के दौरान एक खुफिया ऑफिसर जिसका नाम एल है उसे इस केस में शामिल किया जाता है, जिसमें एल ने लाइट यागामी को, या मैं कहूँ कीरा को, ढूंढने में पहला कदम बढ़ाया, जिसमें उसने साथ में कीरा को चैलेंज किया कि वो उसे ढूंढ लेगा और उसे ख़त्म कर देगा। उसी को आगे बढ़ाते हैं तीसरे एपिसोड की तरफ, जिसमें पहले सीन में जापान की क्राइम एजेंसी की मीटिंग चल रही होती है, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे लोगों के नाम सामने आते हैं और जिसमें पुलिस को ये मालूम पड़ता है जिन भी अपराधियों की मौत हुई उन सभी का नाम पूरे जापान में फैला हुआ था। साथ ही में एल ने पुलिस से ये डिमांड की कि वो जिन भी अपराधियों की मौत हुई उनकी मौत का समय उसे बताए, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जिन भी अपराधियों की मौत हुई उन सभी की मौत का समय शाम 4 बजे से लेकर रात 2 बजे के बीच का था, जिसमें कई सारे मौतें वीकेंड्स में हुई और ज़्यादातर मौतें शाम 8 बजे से रात 12 बजे के बीच हुई। और ये सब जानकारी जानने के बाद एल ये कहता है कि मुजरिम यानी कीरा कोई स्टूडेंट है, क्योंकि जिस तरह से ये सब चल रहा है उसे देख कर एल को ये लगता है कि ये किसी स्टूडेंट का काम है। और आखिर में एल पुलिस को इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाने को कहता है और इस पूरी घटना को फिर से देखने को और जांच करने को कहता है। अगले सीन में लाइट यागामी अपनी बहन को कुछ पढ़ा रहा होता है और उसी समय आता है एक और ट्विस्ट। दरअसल जो ऑफिसर इस केस का हेड होता है वही लाइट यागामी के पापा होते हैं, और अगले सीन में लाइट यागामी इसी बात का फ़ायदा उठाता है और अपने पापा के कंप्यूटर को हैक करके इस केस की सारी डिटेल्स निकाल देता है, जिससे उसे ये मालूम पड़ता है कि पुलिस अभी कहाँ तक पहुँची है और पुलिस ने क्या क्या सबूत जुटाए हैं। उसी समय लाइट यागामी फाइल्स को देख रहा होता है और वो ये कहता है कि अगर वो मौत का समय पहले से ही लिख दे तो वो पुलिस से एक कदम आगे रह सकता है और कई सारे सबूतों से बच सकता है। अगले सीन में लाइट यागामी हर घंटे में एक अपराधी को मारता रहता है, जिससे वो पुलिस से एक कदम आगे चलता है। दरअसल लाइट यागामी ने पहले से ही कई सारे अपराधियों के नाम इस तरह से लिखे थे कि वो अगर स्कूल में भी हो तो वह हर घंटे एक अपराधी को मार सकता है। अगले सीन में ये पूरी बात पुलिस तक जाती है कि पिछले दिनों में फिर से मौतें शुरू हो गई है, और उसी समय एल ये कहता है कि कीरा यानी लाइट यागामी उन्हें कुछ संदेश देना चाहता है कि वो मौत का समय भी कंट्रोल कर सकता है, और वो ये सोच रहा है कि शायद कीरा को इस केस की सारी खबर और जितने भी सबूत हैं कहीं से मिल रहे होते हैं। अगले सीन में लाइट यागामी और रियुक रास्ते पर चलते हुए बात कर रहे हैं, जिसमें लाइट यागामी रियुक को ये बताता है कि इस समय पुलिस एल पर शक कर रही है और एल पुलिस पर, क्योंकि जितनी भी जानकारी पुलिस के पास है उतनी ही जानकारी कीरा के पास भी है, और इस समय पुलिस एल की आइडेंटिटी को ढूंढने को देख रही है और एल पूरी पुलिस फोर्स के हर ऑफिसर की डिटेल को अच्छी तरह से देख रहा है, क्योंकि इस समय पुलिस एल पर भी विश्वास नहीं कर रही होगी, क्योंकि जिसकी शक्ल और जिसका नाम पुलिस के पास भी नहीं है वो उस इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। अगले सीन में पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस के 3 ऑफिसर्स जो इस केस पर काम कर रहे होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनकी जान को कोई खतरा हो। अगले सीन में रियोक लाइट यागामी की क्लास में बैठा होता है और अचानक से खड़ा होकर क्लास की खिड़की से बाहर देखता है, जहां उसे ये दिखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और लाइट यागामी पर नज़र रख रहा है। अगले सीन में एल अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, जहां उसका असिस्टेंट उसे ये बताता है
कि एफबीआई के एजेंट्स जापान में आ चुके हैं और वो भी पुलिस के इस केस पर निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही में वो एल को कई सारे, या मैं कहूँ इस केस से जुड़े ऑफिसर्स की डिटेल्स देता है। अगले सीन में लाइट यागामी और रियुक रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ रियुक लाइट यागामी को कुछ बता रहा होता है, जिसमें वो कहता है कि वो हमेशा लाइट यागामी के साथ रहता है क्योंकि उसके पास डेथ नोट है, इसीलिए उसे कभी कभी हर चीज़ महसूस होती है। और वो लाइट यागामी को ये बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और पूरे समय उस पर निगरानी रखा हुआ है। अगले सीन में लाइट यागामी अपने घर पहुंचता है और वहाँ लाइट यागामी और रियुक कुछ बात कर रहे होते हैं, और उसी समय रियुक लाइट यागामी को शिनिगामी वर्ल्ड और इंसानों की दुनिया के बीच की डेथ नोट का फर्क बताता है, जहाँ रियुक लाइट को यह कहता है कि कैसे एक शिनिगामी एक इंसान की बची जिंदगी को ले सकता है, या मैं कहूँ उसकी उम्र को ले सकता है। वो उसे ऐसे समझाता है कि जैसे किसी इंसान की उम्र 60 साल है, और अगर कोई डेथ नोट में इंसान उसकी मौत को 40 साल की उम्र में कर दे, तो बचे हुए 20 साल शिनिगामी के जुड़ जाते हैं। इससे शिनिगामी की उम्र बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई शिनिगामी ऐसा करे तो किसी इंसान की उम्र नहीं बढ़ सकती। और साथ ही में वो एक और बड़ी चीज़ लाइट यागामी को ये बताता है कि शिनिगामी जिस भी इंसान की तरफ देखता है, वो उसे देखते ही उसका नाम और उसकी उम्र बता सकता है। दरअसल शिनिगामी की आंखें ऐसी होती है कि वो किसी इंसान के चेहरे को देखकर बता सकता है कि उसकी उम्र और उसका नाम क्या है, और वो भी उस इंसान के सिर के ऊपर देखकर। और रियुक लाइट यागामी को यह कहता है कि वो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे सिर्फ शिनिगामी की आंखों की जरूरत है। और वो लाइट यागामी को यह कहता है कि शिनिगामी की आंखों की कीमत एक इंसान की आधी जिंदगी की बराबर होती है। यानी अगर किसी इंसान की उम्र 50 साल है और अगर वो शिनिगामी की आंखें लेता है, उसकी उम्र 25 साल की रह जाएगी। ये सुनकर लाइट यागामी खुद को यह कहता है कि अगर उसके पास भी ऐसी आंखें हो, तो वो सिर्फ इंसान का चेहरा देखकर उसका नाम और उसकी उम्र देख सकता है और बड़ी आसानी से उस इंसान को मार भी सकता है। और यहाँ खत्म होता है डेथ नोट के तीसरा एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।